तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई हूँ, जो घर के रेगुलर के जो होते हैं सामान वो सब फिनिश हुए थे, मैं कर दूंगी, आधे गिरेगा तो सब लेके आई हूँ। और यहीं पे सब पड़ा हुआ है, मैंने कुछ रखा नहीं। देखो अभी इनका ब्रेक हुआ ना, तो ये आई है हेल्प करने के लिए दीदी। और आरुष तो टीवी देख रहे हैं, आरुष को कल इतना ज्यादा होमवर्क मिला था ना, किए नहीं हो तो थोड़ा सा छोड़ दिए थे। मैं टीचर को गई बोलने के लिए, मैं देखो आरुष किए नहीं तो बोल रही थी कि सारे बच्चों का यही हाल है, 15 दिन से छुट्टी मिली थी, इंजॉय कर रहे थे, अभी उनको आदत छूट गई है लिखने की, करेंगे जा रहे तो धीरे धीरे। तो सुबह का जो भी काम था वो मेरा हुआ है फिनिश। अब मैं ये सामान सब ये सब रख लेती हूँ, और क्या क्या मिला है मुझे विदाई में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थोड़ी देर के बाद। ये नहीं गई थी, इनको भी मिला है, अदिति नहीं गई थी, इनको भी मिला है। तो आरुष के चाचू बोल रहे थे हम लोग को, मैं बोली जेंट्स लोग को बहुत कम मिलता है विदाई में, बच्चे लोग को और हम लेडीज लोग को मिलता है, जेंट्स लोग को बहुत कम मिलता है, गए होते तो मिल भी जाता, बिना गए तो नहीं मिलेगा। तो मैं ये सब सामान रख कर देती हूँ, फिर उसके बाद शेयर करती हूँ क्या क्या मिला मुझे। इसको मैं ली कि दो मम्मी को लगा कि इसमें तीन है, तीन समझ के ली मैंने, बट इसमें 5 है, 300 में मिला है, 300 में मिला, पर मुझे लगा कि 3 है, 5 होगी। अच्छा आपके 5 बॉक्स मिले, 2, 3, 4, 5 सारा सामान मैं दे देती हूँ अरेंज, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ गाँव से, गुड़ वगैरह जो कि यहाँ पे मिलता नहीं है अच्छा, और अभी सीजन है ना ऐसा गुड़ बन रहा है फ्रेश, तो वहाँ से लेके दिया मम्मी ने दीदी ने, तो सब सामान मैं ले लेती हूँ। कल गई थी डीमार्ट तो ये शूज भी लिया, शूज के लिए मम्मी अप्रैल में बहुत गर्मी है, रेगुलर यूज के लिए बहुत अच्छा, एकदम लाइट वेट है, जो हमने शूज रेगुलर के लिए है दिलाया है पापा। मम्मी मेरा काम हो गया, अब मैं जाती हूँ, मम्मी आज रात को राजमा बनाना, रख लेती हूँ सामान। तो मायका तो मायका ही होता है, उसकी तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते हैं, जो इसी लाइफ वहाँ की होती है, बट ससुराल का भी घर जो होता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ होती है, बच्चे होते हैं, हमारा घर होता है, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ होती है, उसको अच्छे से निभाना, तो हमारे माँ बाप भी यही सिखाते हैं, और सबसे ज़्यादा खुश वही होती हैं अगर हम अपने घर को अच्छे से संभाल लेते हैं, हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुश भी वही होते हैं। तो वही है कि मतलब जाके आप कितने दिन रहोगे, 2-4 दिन रह लो, 15 दिन 1 महीने रह लो, घूम फिर के वापस यहीं पे आना है, सारी जिम्मेदारियों पे अपना सब कुछ अच्छे से करना है, बट अच्छा भी है एक तरह से, अपने आप को बिजी रखो, यही हमारी लाइफ है, यही हमारे लाइफ की सच्चाई है। तो बस वापस से रूटीन स्टार्ट हो गया है पहले वाला मेरा आने के बाद, अभी जाके काम से फुर्सत मिली है, 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, अदिति क्लास गई है, थोड़ा टाइम हुआ उनको जाके, आरुष होमवर्क कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, कब से बंद थी टीवी तो बोल रहे थोड़ी देर देखने दो, तो मैं बोली ठीक है चला लो, यहाँ पे काम चालू है, देखो आवाज़ आ रहा है, और शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ में क्या क्या मिला है मुझे। और मेरे हाथ में देखो ऐसा दिखेगा नहीं इतना कैमरे में, ऐसा बारीक बारीक दाने दाने जैसे आए हैं, वैक्स कराई थी मैं, वैक्स का साइड इफेक्ट तो थोड़ा बहुत होता था मुझे, ऐसे बारीक बारीक दाने आते थे, बट ये बार ना इचिंग हो रही, कल मुझे जाके दिखाना पड़ा डॉक्टर के पास, और जैसे मैं इनको बोली कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इचिंग हो रही, वैसे तो यहाँ तक किया वैक्स, उन्होंने तुरंत बोला कि वैक्स किया आपने, तो मैंने हाँ बोला, बोले उसी की वजह से हुआ है। आंखें देखो थकी थकी लग रही है, ऐसे लग रहा है ना कि नींद ही नहीं पूरी हो रही है, सुबह में अच्छा लग रहा था बट अभी वापस से सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अभी आरुष को लेके सो जाती हूँ, चलिए देख लेते फिर। ये आरुष का है, इस तरह से है ये शर्ट, ये ब्लैक वाला पूरा ओपन नहीं करूँगी नहीं तो फिर बहुत टाइम जाएगा फोल्ड करने में, और ये ऊपर से वाइट कलर का जैकेट है, फुल है, और ये एक टी शर्ट है, ये है,
इसके ऊपर ये पैंट है। अदिति नहीं गई थी बट अदिति को भी मिला है। दीदी बोल रही थी कि अभी आप लोग जाओगे, बैग ओपन करोगे, फिर सब अपना अपना देखोगे तुम और आरुष, तो अदिति को कुछ नहीं मिलेगा तो साइड हो जाएगी। तो दीदी ने आदि के लिए भी दिया है बट मैं वो अभी नहीं दिखा पाऊंगी, बाद में दिखा दूंगी। बहुत अच्छा है, एकदम यूनिक सा है, मतलब वैसा जीन्स आदि के पास था नहीं। जीन्स है और टॉप है, शर्ट टाइप है, बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगी बाद में। अभी तो सुखने को डाली हूँ, धुला हुआ है। और ये देखिए, ये इस तरह से है, कैप लगा हुआ है, देखो इस तरह से है। इसको मुझे पहनाना पड़ेगा, ये स्वीट शर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी होती नहीं है, आप लोगों को पता है मुंबई में जरा से भी ठंडी होती नहीं है। तो अभी दिसंबर और जैन में थोड़ी हल्की हल्की सी ठंडी होती है, तो वो टाइम पे मुझे ये पहना देना पड़ेगा। वैसे तो मैं रखती क्योंकि साइज अच्छा था, बड़ा था, बट रख के क्या करूंगी, फिर गर्मी आ जाएगी तो आरुष पहन नहीं पाएंगे। और ये उसकी पैंट है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, है अच्छा लग रहा है बट मैं रख नहीं सकती। अदिति का तो नहीं दिखा पाऊंगी। और ये साड़ी है, देखिए इस तरह से है, बीच में प्लेन है, इसे डॉट डॉट है, और ये पल्लू है, बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग बताना कैसी है। दीदी ने दिया है ये वाला कलर मेरे पास था भी नहीं, शायद नहीं है। और एक ऐसी है, देखो ये इस तरह से है, ये भी पूरा बीच में ऐसा डॉट डॉट है, और ये बॉर्डर है, इसका पल्लू देखो, ये पल्लू है, इस तरह से है। और इसका ब्लाउज देखो, बॉर्डर पे ब्लू है ना, इसका ब्लाउज ये ब्लू है। ये दीदी ने दिया है, और ये भैया भाभी जो भी बोलो, भाभी ने दिया है। तो अभी उसका मुझे देना है ब्लाउज सिलने के, सिलाने के लिए। तो ये वाली साड़ी मुझे मिली थी, एक प्रतियोगिता था उसमें मैं फर्स्ट आई थी, तो ये वाली साड़ी मुझे मिली थी। कब से ऐसे ही पड़ी है, तो किसी को देने का भी मन नहीं करता, क्योंकि जानते हो ना कुछ भी मतलब प्राइस का कितना वो होता है। तो मैं किसको दी भी नहीं है, साड़ी ऐसे ही पड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, पर सोच रही थी कि क्या करूँ, कब से सोच रही थी सिलाऊ नहीं सिलाऊ, पर अभी ये वाली दूंगी तो ये भी दे दूंगी ब्लाउज सिलने के लिए, देखती हूँ कैसा लगेगा। ये ब्लाउज है इसका, ग्रीन है, जैसा भी लगेगा, प्राइस मिला है तो कीमत तो है इसकी। इस तरह से है साड़ी, ऐसा बॉर्डर है नीचे, देखते सिलने के बाद कैसी लगेगी। तो यही है। और ये डेनिम की जैकेट है, ये मुझे भैया ने दिया है, भैया मीन्स ये आई क्या बोल रही हूँ मैं, अरुष के चाचू ने दिया है ये मुझे, बहुत प्यारा है, ये मैं पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें का नहीं था मेरे पास, देखो जैसे जैसा नहीं था वैसा वैसा मिला, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी कि किस तरह से है उनका। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।